प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको धन, प्रभु आपको ब्लेस करे आज इस सुबह के प्रेयर के टाइम, इस प्रार्थना के समय, कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ दो या तीन है वहां पर मैं हाजिर हूँ। और ये कितनी भली और अच्छी और अनोखी बात है, हम कई बार हम मनुष्य के प्रेजेंस के लिए तरस जाते हैं, है ना, लेकिन जो स्वर्ग पिता है हमारा, स्वर्गीय पिता, वो देखो कि वो किस कोई मनुष्य नहीं है, वो खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। वो कहता है कि जहां पर मेरे नाम से तुम इकट्ठा हो जाओगे वहां पर मैं हाजिर हूँ, वहां पर उपस्थित हो। और ये इसीलिए उपस्थित होते प्रभु, ताकि हमें ब्लेस करे, हमें आशीर्वादित करे, हमें चंगाई दे, हमारे मनों को वो शुद्ध करे, हमारे मनों की जो बातें, जो प्रार्थना है वो सुने। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए। हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और हम 11 से पढ़ेंगे। इसीलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआथिरा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। प्रभु क्या कहता है, अगर हम ये जब 16 अध्याय में पढ़ते तो पौलुस और तिमुथी और बाकी के जो शिष्य थे वो कहाँ पे गए, एक जगह में गए, और वहां पर उनको ये ध्यान था कि हम यहाँ पर रुककर हम प्रार्थना करने लगे, ताकि हमें प्रार्थना में समय हम बिताए। हालेलुया, और वहां पर जब पौलुस और वहां पर त्रोआस में जब पौलुस पहुंचा और वहां पर देखते जब हम पौलुस प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर देखकर लोगों ने उनके पास आना शुरू किया और ये लोग प्रभु के बारे में बात करने लगे। हालेलुया, लेकिन हम इस वचन पर, हम एक वचन पर मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे स्वतंत्रता के वचनों पर तुम क्या करो, ध्यान लगाओ, तो मेरे उन बातों पर ध्यान लगाओ। यहाँ पर जो लुदिया नामक थुआथिरा नगर की बेंजनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री थी, वो ये सारे परमेश्वर के वचन को सुन रही थी जो प्रभु के सेवक के मुख से निकल रहा था। हालेलुया, और जब हम देखते कि वो क्या काम करती थी, वो एक बिजनेस वूमन थी, वो एक व्यवसाय करने वाली औरत थी, उसको परमेश्वर की आत्मा ने उसको टच कर लिया, उसको छू लिया, और परमेश्वर ने उसका मन इस कदर खोला कि वो परमेश्वर के सच्चे और जीवित वचन पर क्या करे, ध्यान लगाए। हालेलुया, शमूएल की किताब में कहता है कि यहोवा मेरा दीपक है, और जब यहोवा मेरा दीपक है तो जो मेरा जीवन में अंधकार है उसे वो दूर करता है और उजियाले से भरता है। हालेलुया, हालेलुया, जब हम देखते हैं कि वो औरत भी अंधकार से भरी होगी या उससे बहुत सारी चीजों का पता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में आए। हालेलुया, उसके मन में जब परमेश्वर का वचन आए, परमेश्वर का वचन क्या, हम ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है, वो प्रभु ने यानी यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने वो स्त्री का मन खोल दिया और वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। हालेलुया, इस तरह से खोल दिया कि जो प्रभु का सेवक बात कर रहा था उस पर वो मनन करे, विचार करे, वो सुने क्या बोल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, ज्योति है। हालेलुया, जहां पर परमेश्वर का वचन है वहां पर आपके जो कितने भी मार्ग अंधेरे से भरे क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उजियाले में लेकर जाएगा। हालेलुया, इसीलिए दाऊद राजा कहता है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मार्ग
के लिए उजियाला है। यूं ही नहीं बोला, उसने उस वचन को महसूस किया, वो वचन में पर खड़ा रहा, वो वचन को उसने अपनाया, उसके पास कुछ नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आज आपको यही संदेश देना चाहती हूँ, आप चाहे इस दुनिया की कोई भी वस्तु के लिए अपनाने की कोशिश या बहुत मेहनत कर लो, लेकिन ये सारी चीजें आपसे दूर चली जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो आपके साथ सदैव बना रहेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर ने उस स्त्री का मन खोल दिया ताकि परमेश्वर का वचन सुने। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसका घर, उसका जीवन बदल गया। और आगे अगर हम देखते, इसमें पूरा डिटेल में नहीं लिखा होता है, अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। अभी देखो यहाँ पे वचन तो उसका मन खोल दिया, तुरंत बपतिस्मा ले लिया। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते तो कई जन विश्वासी शुरुआत में जाते हैं, शुरुआत में जाने का तुरंत बपतिस्मा नहीं लेते, लेकिन परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है वो अद्भुत है। हालेलुया। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई ये सोच रहे कि मैं तो प्रभु में आ गया हूँ लेकिन मेरा घराना नहीं आया है, मैं तो प्रभु में हूँ लेकिन मेरे लोग नहीं आने दे रहे या मुझे नहीं जाने को मिल रहा, और आप उसमें आप फाइट कर रहे हो या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये औरत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फाइट नहीं किया, इसका प्रभु ने मन खोला, प्रभु का वचन सुना, ग्रहण की। और वहां पे लिखा है जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की। हालेलुया। अभी इसके घरानों ने भी, घराने को भी परमेश्वर का वचन मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जहां पर आया वहां पर रोशनी आई। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन जहां पर आया वहां पर अंधकार दूर हुए, बीमारियां दूर हुई, श्राप दूर हुए। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम देखते हैं कि उसके वचन को परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मुझे बहुत ज्यादा मानो, प्रभु ने बोला मेरे, अगर इफ यू बिलीव मी, इफ यू लव मी, ओबे माय कमांडमेंट, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करो, मेरे व्यवस्था की किताब के उन नियमों को मानो। हालेलुया। जब मूसा जब था, जब वो उसने इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला तो परमेश्वर ने वचन देना शुरू कर दिया। हालेलुया। हर दिन प्रभु बात करता मूसा से, बोलता मेरे लोगों से ये कहे, मेरे लोगों को बता ये ना करे, ये ना करे, ये ना करे। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें नियम दे रहा है मेरे प्रियो, तो हमें वो चीजों को करना है। जब परमेश्वर आपके जीवन में वचनों को लेकर आएगा तब आपका जो जीवन, जो आपके प्राणों में जो मरा हुआ प्राण है, आप जीवित हो लेकिन आप मुर्दे हो, आपके अंदर परमेश्वर का वचन आने के बाद आप जीवित होते हो। क्योंकि 19 अध्याय में लिखा है, भजन से हम 19 अध्याय निकालेंगे, क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, सात वचन पढ़ेंगे इस प्रकार, व्यवस्था की, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है क्या कह रहा है कि जो उसकी व्यवस्था खरी है, झूठा नहीं है, जो परमेश्वर के नियम है, जो उसके वचन है वो सच्चाई है, वो सत्य है, और प्राण को तुम्हारे जीवित कर देते, तुम्हारे प्राण में आनंद भर देता है, तुम्हारे प्राण को वो जीवित कर देता है। जो होप हम लोग होपलेस हो जाते, जो होप खो बैठते, परमेश्वर हमारे अंदर वो एक आशा, एक नई आशा, एक उमंग को जगाता है, और कहता है उसका वचन हमारे अंदर एक आशा को उत्पन्न करता है। यहोवा का नियम विश्वास योग्य है। कोई व्यक्ति पे विश्वास करने के लिए आप 100 बार सोचोगे, लेकिन अगर आप बहुत आंखें मूंद कर उस पर विश्वास कर रहे हो तो वो आपको शायद धोखा भी दे दे, लेकिन मैं आपको आज गुड न्यूज देना चाहती हूँ, प्रभु के वचन पर जब विश्वास करोगे तो वो विश्वास योग्य है। और कहता है जो बुद्धिमान है, जो मूर्ख लोग हैं उनको वो बुद्धिमान बना देते, जो जिनको समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिनको क्या करना है हमें हमारे लाइफ में, वो सारी चीजें समझ नहीं, परमेश्वर उनको बुद्धिमान बना देता। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, अगर 10 पढ़ेंगे तो लिखा है, 8 पढ़ेंगे, यहोवा के उपदेश सिद्ध हृदय को आनंदित कर देते हैं, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति में धर्ममय है, वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है,
वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया, वो मद से भी मीठा है। परमेश्वर का वचन ही दाऊद राजा के शब्द है जो प्रभु के लिए वो कह रहा है। हालेलुया, वो हम इस पढ़ने के बाद हम समझते परमेश्वर का वचन कितना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, उस वचन के द्वारा ही सब कुछ, आज जो भी आपके लाइफ में हो रहा होगा, आप बीमार है, आप तकलीफ में है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने कोई डिसीजन लिया है लेकिन आप कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, अगर आप श्रापित है, अगर आप दुख में है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आज परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन को, मेरे वचन पे विश्वास योग्य रहे, मेरा वचन तेरे प्राण को बहाल कर देगा। हालेलुया, जैसे वो लुदिया नामक जो स्त्री थी उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, वो आज आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया, आप विश्वास करना है, विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह का, यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया, वचन क्या है, ये दीपक और आपके आपके पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, प्रभु इस वचन से आपको आशीषित करे। आइए हम सब अपने हाथों को उठा लें और हम प्रार्थना करें कि आज जो हमारे जीवन में अंधकार है, आज जो भी बुराइयां है, जो भी बीमारियां है, जो भी श्राप है, जो भी हम दुखी है, जो भी हमें नहीं रास्ता समझ में आ रहा है, आज अपना पूरा ध्यान, अपना माइंड, अपना शरीर, आत्मा, प्राण, हृदय प्रभु यीशु की ओर लगाए, उसके वचन की ओर लगाए। और प्रभु ने कहा यहोवा की जो व्यवस्था है खरी है, वो तुम्हारे प्राण को बहाल कर देती है। उसका वचन जो है, व्यवस्था की किताब जो वचन है, जो आज्ञा है, वो विश्वास योग्य है, जो मूर्खों को, जो बेवकूफों को बुद्धिमान बना देती है। आज इसी वचन के द्वारा आपके जीवन में नजात आएगी। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे दासी होने के नाते। आज जितने लोग परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है, जो लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, जो लोग सुन रहे हैं और आगे भी सुनने वाले, आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन में नजात आए। हर एक जो भी बीमारी इनके जीवन से चली जाए, हर एक रोग चली जाए, हर एक परेशानियां चली जाए, हर एक जो लोग परमेश्वर अपने फैमिली के लिए परमेश्वर प्रार्थना में, अपने नौकरी के लिए प्रार्थना में, अपने हर एक चीजों के लिए प्रार्थना में आज इनके जीवन में नजात आए तेरे वचन के द्वारा। जो स्त्री परमेश्वर व्यवसाय कर रही थी उसे प्रभु तेरा वचन नहीं मालूम था, लेकिन जब तेरा वचन पता हुआ परमेश्वर, तूने उसके मन को खोला और उसने तेरे वचन पर मन लगाया, चित्त लगाया, जैसे तूने यहोशू को कहा तू इस मेरे व्यवस्था को दिन रात मनन करना, उसको अपने चित्त से दूर ना करना, अपने हृदय से लगाए रखना। प्रभु आज परमेश्वर फिर से तूने हमसे बातें किए, तेरा वचन हम पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर विश्वास उत्पन्न होगा, विश्वास परमेश्वर तेरे वचन से आएगा प्रभु। और यदि इनका जीवन, जो भी आज परमेश्वर के जीवन में चल रहा है, इनके जीवन के हर एक रुकावट को तेरे वचन के द्वारा दूर करते, हर एक बीमारी को धमकाते डांटते निकल जाए, हर एक रोग को, हर एक दुष्टात्मा को डांटते निकल जाए, हर एक परेशानी को डांटते निकल जाए इनके जीवन से। जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक रीति के लिए प्रार्थना करे कि अपने जीवन में बड़े, और पवित्र आत्मा के लिए दुआ करे प्रभु, होने दे, आज तेरे बादल खुल जाए स्वर्ग से और इनके ऊपर तेरा आत्मा बरसे और ये भर जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, तेरे वचन को फैलाना परमेश्वर हमारा, परमेश्वर सबसे बड़ा काम है प्रभु। तेरा वचन के द्वारा, तेरा सुसमाचार के द्वारा जीवन बदलने जा रहा है मेरे एक एक भाई, एक एक बहन और एक एक बच्चों को परमेश्वर तू छू रहा है। तेरा धन्यवाद करते यीशु नाज़री के नाम में ऐसा ही मांगते हुआ है, आमेन आमेन। हालेलुया, आज आपने ये वचन को सुना है, रिसीव करो और प्रभु को महिमा दो, और देखो आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।